हज 2023 के फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज हो गया। लाहौर एयरपोर्ट से 200 से ज्यादा आसमीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। रवानगी से कबल आसमीन हज के लिए खसूसी तकरीब का भी एहतमाम। एयरपोर्ट इंतजामिया और अजीज़ो कारब ने हुजाज अकराम को फूलों के हार पहनाकर अलविदा किया। लाहौर का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। शहर का मौजूदा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की पारा 44 डिग्री तक जाने की पेशगोई। चिकन सस्ता होकर भी 600 से नीचे ना सका। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपए कमी। प्रति किलो मुर्गी का गोश्त 602 रुपए तक फरोख्त होने लगा। गर्म मौसम में भी अंडे बदस्तूर महंगे। कीमत 290 रुपए दर्जन मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मौसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। कपास की बवाई और पैदावार का हदफ हर सूरत हासिल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं जारी अदवियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। मौसिन नकवी का सुबह भर में पानी चोरी के वाकयात की रोकथाम का भी हुक्म। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तोड़फोड़ और तशद्दुद के वाकयात। पुलिस राय के मुताबिक लाहौर समेत सुबह भर से गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3800 से ज़ायद हो गई। लाहौर से 2000 के करीब शरपसंद गिरफ्तार। मजीद शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस फोर्स की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म। 23 सहलकारों को तिबी अखराजात के लिए 61 लाख से ज्यादा रकम जारी। मस्कूरा रकम लाहौर समेत मुख्तलिफ अस्पतालों के अहलकारों को तिबी अखराजात के लिए दी गई। शहरियों के तहफ्फुज़ के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। सीटीओ का 18 साल से कम उम्र ड्राइविंग पर गाड़ी मोटरसाइकिल थाने में बंद करने का हुक्म। सीटीओ मुस्तनसर फिरोज कहते हैं जमानत मुचलके जमा करवाने पर ही गाड़ी और मोटरसाइकिल वापस मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस का मोटरसाइकिल ऑल्ट्रेशन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। और गिरजाघरों में मसीह इबादती प्रोग्राम हसास। गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। डॉल्फिन पीआरयू की टीमें गिरजाघरों के तरफ पेट्रोलिंग में मसरूफ। सरबरा लाहौर की अफसरान और अहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत।